एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में आज हम अपर बात करेंगे जो बिग बैस लीग का आज के दिन का दूसरा मैच होगा जो खेला जाएगा पर्थ स्कोचर्स और सिडनी थंडर के बीच में तो इस मैच की मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा पहला जो मुकाबला था वो मोस्ट प्रोबेबली रेन के कारण नहीं हो पाएगा तो ये जो दूसरा मुकाबला है इस ये आज अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो मैच है भाई आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है बस आपको वीडियो पूरा वॉच करना है और उससे भी इम्पोर्टेंट काम अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ध्यान से सुनना अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना है क्योंकि वहाँ पर आपको फाइनल टीम तो मिलती है उसके अलावा जो भी अपडेट्स आती है जैसे कि भाई रेन हो रही है क्या हो रहा है सब चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर पता चल जाएंगी टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में भी सबसे पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक टॉप पर पिन किया हुआ मिल जाएगा बात करेंगे अपन मैच के बारे में तीन बजकर पैंतालीस मिनट पर मैच स्टार्ट होगा मैच खेला जाएगा ऑप्टस स्टेडियम पर्थ में पिच रिपोर्ट की बात करूंगा तो विकेट जो है फास्ट बॉलर्स को बहुत ज्यादा मदद करता है ड्यू टू पेस और बाउंस एवरेज स्कोर यहाँ पर लो बनता है एक सौ तीन मैचेस यहाँ पर अब तक हुए हैं एक जीता है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने दो में छेस हुआ है अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो जो तीन मैचेस हुए हैं ना उसमें आप देखो फर्स्ट इनिंग में 19 विकेट फास्ट को स्पिनर्स को चार विकेट है सेकंड इनिंग में फास्ट को 16 विकेट है स्पिनर्स को पांच विकेट है तो मतलब आप देखो टोटल 35 विकेट मिले हैं फास्ट बॉलर्स को जबकि स्पिनर्स को यहाँ पर नौ विकेट मिले हैं तो मात्र 25 परसेंट विकेट ऐसे हैं जो स्पिनर्स को मिल रहे हैं 75 परसेंट जो विकेट्स हैं वो ले रहे हैं यहाँ पर पेसर्स हेड टू हेड मैच की बात करूँ तो इन दोनों टीमों के बीच में पंद्रह मुकाबले हैं थंडर की टीम ने आठ जीते हैं स्कोचर्स की टीम ने सात जीते हैं मतलब दोनों ही टीमें जब भी आपस में खेलती हैं टक्कर का मुकाबला देखने को मिलता है पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर अपन सिडनी थंडर की टीम के तो सिडनी थंडर की टीम ने यहाँ पर लास्ट के छह में से तीन जीते हैं तीन हारे हैं ओपन करेंगे मैथ्यू ग्लिक्स और उनके साथ में आएंगे एलेक्स हेल्स मैथ्यू क्लिक्स देखो लास्ट के तीन मैच इसके अच्छे हैं छप्पन नोट आउट सैंतीस और तैंतीस तो लोग इसको ट्राई करेंगे बहुत ज़्यादा ट्राई करेंगे और करना भी चाहिए लेकिन एक चीज़ आप पॉइंट जरूर ध्यान में रखना कि सामने इसके बॉलिंग करवाएंगे जैसन बैरेंडॉफ और जाय रिचर्डसन दोनों ही टॉप क्लास बॉलर हैं तो भाई हो सकता है कि इसका विकेट जल्दी निकाल ले जाए इसका ही नहीं मैं तो बोलूंगा एलेक्सल्स का भी आठ मैच में दो सौ अड़तीस उनतीस का एवरेज है हेड टू हेड में रिसेंट फॉर्म सोलह अड़सठ उनसठ नोट आउट नौ सौ है अब देखो इन इन दोनों को ऑलमोस्ट सेवेंटी से एट्टी परसेंट लोग अपने टीम में लेकर आएंगे अगर ये दोनों फ्लॉप होते हैं तो आपका मैच वहीं पर वन साइडेड हो जाएगा लेकिन अगर ये दोनों चल गए और आपने इनको छोड़ाएं तो फिर ये आपका लॉस भी करवा देंगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है मैं यहां पर एलेक्स हेल्स को रखूंगा ग्लिक्स को मैं अभी के लिए छोड़ के चलूंगा इसके अलावा रायली आए रोशो आएंगे वन डाउन तीन है त्रेपन है चौदह है नो बैटिंग है उनतालीस है अठारह है और हेड टू हेड में मात्र दो मैच में तेईस रन है ओलिवर डाविस भाई बहुत तगड़ी हिटिंग करता है बंदा तैंतीस बयालीस नौ बैटिंग सोलह जीरो विकेट पैंसठ है और हेड टू हेड में दो मैच में पचपन रन है फिर आएंगे ऐसे एलेक्स रोस यहाँ पर हेड टू हेड में बारह मैच में एक ही रन है रिसेंट फॉर्म दो उनतालीस आठ नौ बैटिंग पच्चीस चौदह है ठीक ठाक सा फॉर्म है इनका आज इनका जो सबसे तगड़ा ऑलराउंडर है ना डेनियल सेम्स वो आज खेलेगा नहीं क्योंकि उसको ग्रोइन इंजरी हो रही है सेम वाइटमैन आज खेल सकते हैं क्योंकि डेनियल सेम्स नहीं है तो किसी को तो अंदर आना पड़ेगा लास्ट सीजन तीन मैच में पच्चीस है रिसेंट फॉर्म चौदह चौदह एक है बैन कट्टिंग है आज इनका रोल बढ़ने वाला है अब ये आपके लिए ट्रम्प है ध्यान रखना कैसे कि भाई ये बॉलिंग भी करवाएगा लास्ट मैच में दो विकेट लिए हैं तो जाहिर सी बात है तीन से चार ओवर इसको मेरे हिसाब से तो मिलने चाहिए और उसके अलावा ये बैटिंग भी करके देगा नंबर छः के करीब क्योंकि डेनियल सेम्स नहीं है तो उसकी जगह पर यह अपना काम करता नजर आएगा हेड ट्वेड में रिकॉर्ड भी बढ़िया है सोलह में दो सौ बाईस बारह विकेट तो इंपॉर्टेंट बन सकता है नाथन मैकंड्र्यू चार मैचेस में इसके नाम सात आठ विकेट है बहुत बढ़िया बॉलर है स्पेशली अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करती है तो इंपॉर्टेंट रहेगा क्रिस ग्रीन के नाम लास्ट के छह मैचेस में चार विकेट हैं हेड टू हेड में नौ मैच में आठ विकेट है ब्रेंडन डगेट के नाम लास्ट के छह मैचेस में सात विकेट हैं हेड टू हेड में रिकॉर्ड देखो एक बार इसका के खिलाफ चार मैच में दस विकेट हैं बहुत शानदार रिकॉर्ड है उस्मान कदीर के नाम यहाँ पर तीन मैचेस में तीन विकेट है तो मैं ज्यादा प्लेयर यहां पर इनके नहीं रखूंगा क्योंकि जो ये ये ग्राउंड है ना ये होम ग्राउंड है परत स्कोचेस की टीम का तो अपन उनकी टीम पर ज्यादा फोकस रखेंगे क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर तीन मुकाबले खेल लिए हैं इस सीजन तो उनको ज्यादा आइडिया है तो मैं अभी यहाँ पर पिक कर रहा हूँ एलेक्स हेल्स ओलिवर डाविस नीचे से मैं यहाँ पर अपनी टीम में ट्राई कर रहा हूँ बैन कटिंग और यहाँ से नाथन मैकंड्रीव या फिर ब्रेंडन डगेट दोनों में से कोई एक मैं रख रहा हूँ अभी के लिए ब्रेंडन डगेट को तो ये चार प्लेयर मैं मात्र इनकी टीम के रख रहा हूँ इनके अलावा इनके जो बेंच पर प्लेयर हैं जो कि स्क्वाड में हैं बैक्स्टर होल्ट हैं टोबी ग्रे हैं जो एल डाविज हैं और रो स्पाउशन है इसके अलावा कोई भी प्लेयर स्क्ॉड में नहीं है इनकी तरफ से स्टार्टिंग के ओर डालेंगे डगेट डगे और क्रिस ग्रीन डेथ के ओवर डालेंगे क्रिस ग्रीन डगेट मैकेंड्रू और ब्रेंडन यहाँ से बैन कटिंग अब बात करेंगे दूसरी टीम यानी कि पर्थ उसकोचर्स की टीम जिनका ये होम ग्राउंड है लास्ट के छः में से सिर्फ एक मुकाबला आ रहे हैं बहुत तगड़ी टीम है ये भाई फैफ्टुप्लेज और एडम लिथ ओपन करेंगे फैफ्ट का रिकॉर्ड देख लो चौदह है बत्तीस है अड़सठ है छः है तीन है और उनतालीस है एडम लिथ की बात करूँ तो एक पैंतीस की नोक है उसके अलावा चार दस सात चार दो उतना खास परफॉर्मेंस इसका नहीं है कैमरन बैनक्रॉफ्ट लास्ट मैच खेला छियालीस रन की बहुत अच्छी नोक थी और हेड टू हेड में भी ना आठ मैच में दो रन है शानदार रिकॉर्ड है और रिसेंट फॉर्म भी आप देख लो बाईस छः अठहत्तर तेरह तेयलीस ते है तो भाई ये मस्ट पिक है और ये इसको भी लोग बहुत कम ले रहे हैं आज जो सिंग्लिस बढ़िया प्लेयर है हेड टू हेड में पाँच मैच में, में सो हैं रिसेंट फॉर्म तेरह बासठ चौहत्तर उन्नीस उन्नीस सैंतालीस है बहुत बढ़िया खेल के खेल रहे हैं अब तक इस सीजन में एस्टन टर्नर है दो बीस एक अड़तालीस तिरपन नौ है लेकिन अभी मैं इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं मानूंगा कि अगर बड़ा स्कोर नहीं बनता है तो इनको ज़्यादा मौका नहीं मिलेगा एरन हार्डी अगर जो लास्ट मैच में प्लेइंग इलेवन वो खेली थी वही खेलेगी ना तो एरन हार्डी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बैटिंग के साथ साथ आपको बॉलिंग भी देगा लास्ट के जो छह मैचेस है वहां पर दो विकेट है बल्ले से पचपन बारह तीस बाईस सत्रह नौ नोट आउट है हेट में तीन मैच में तेईस एक विकेट है निक होपसन नीचे खेल रहा है काफ़ी एक छियालीस की नौ आई थी जो कि वन डाउन आई थी उसके अलावा कोई खास रिकॉर्ड नहीं है जाय रिचर्डसन के नाम अगर आप यहाँ पर देखो तो टोटल तो चौदह विकेट है शानदार बॉलर है और स्पेशली इस विकेट पर यह बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस देता है छः मैच में सात विकेट है हेड ट्वर में एंड्रू टाई के नाम लास्ट के जो छः मैचेस है वहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल तो यहाँ पर तेरह विकेट है हेड टू हेड में नौ मैच में बारह विकेट है जैसन बैरन के नाम यहाँ पर लास्ट के छः मैचेस में टोटल दस विकेट है हेड टू हेड में नौ मैच में तेरह विकेट है पीटर हथ जोगलू के नाम पांच मैच में तीन विकेट है में तीन मैच में दो विकेट है तो यहां से मैं अभी के लिए पिक करने वाला हूं हूँ फैब्स कैमरन बैनक्रॉफ्ट जो सिंगलिस और उसके अलावा एरन हार्डी जॉय रिचर्डसन एंड्रू टाई और जैसन बैरेंडोव इसके अलावा चार ये प्लेयर हो रहे हैं जो कि स्कॉर्ड में इसके अलावा कोई भी स्कॉर्ड में नहीं है यहां से स्टार्टिंग ओवर डालेंगे बैरेंडोव जाय रिचर्डसन डेथ के ओवर डालेंगे एंड्रू टाई जॉय रिचर्डसन एरन हार्डी एनालिसिस वाला जो पार्ट था इस मैच का वो हो चुका है कंप्लीट चलेंगे यहाँ पर डेमो टीम की तरफ लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो चलते हैं यहाँ पर डेमो टीम की तरफ बात करूं मैं यहाँ पर डेमो टीम की तो डेमो टीम में मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ पर बात विकेट कीपिंग सेक्शन से आप देखो जो सिंगलिस को मैंने यहाँ पर रखा है बैटिंग सेक्शन से आप देख लो ओलिवर डाविस कैमरन बैनक्रॉफ्ट एलेक्स फैब डब्लिस को रखा है ऑलराउंडर सेक्शन से एरन हार्डी बैन कटिंग को रखा है और बॉलिंग सेक्शन से ब्रेंडन डगेट जय रिचर्डसन जैसन बैरेंडो और एंड को रखा है कैप्टन जय रिचर्डसन वॉइस कैप्टन एंड्रू टाई है लेकिन ये मेरी टीम रहेगी जब यहाँ पर पर्थ स्कोचर्स की टीम पहले बॉलिंग करेगी अगर यहां पर पहले बॉलिंग करती है सिडनी थंडर की टीम तो फिर मैं यहाँ पर नाथन मैकन्ड्रू को रख लूंगा जैसन बेरेंडो की जगह ये मेरी टीम में चेंज होगा और उस कंडीशन में मेरा कैप्टन भी शायद बदल जाए तो ये सब चीजें आपको आफ्टर डोज टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में सबसे पहले कमेंट में टॉप पर पिन किया वो आपको मिल जाएगा तो थैंक यू भाई अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना थैंक यू